This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महनूर अली। नाज़रीन, आज बिजनेस लंच में हमने सोचा कि क्यों ना माशी जो सूरत हाल है, आलमी माशी सूरत हाल, तो उस पर बात की जाए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की के बारे में अगर जानना हो तो उसकी मईशियत पे सबसे पहले गौर किया जाता है या जायज़ा लिया जाता है, फोकस किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि साल 2016 में पाकिस्तान और ग्लोबल इकॉनमी जो है उसके क्या अनासिर है, क्या असरात पड़े हमारी मईशत पे, और इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, पोजीशन है, उसका हम जायज़ा लेंगे। इक्तिसादियत के माहिरीन के मुताबिक तो साल 2016 की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि मईशत के एतबार से, ख़ास तौर से आलमी मईशत के एतबार से, इसके कोई ज़्यादा पॉजिटिव जो हैं वो रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आ सके। इसके बुनियादी क्या फैक्टर्स थे, क्या अवामिल थे, क्या हमारी जो सियासी सूरत हाल सारा साल रही, क्या वो असरअंदाज हुई, और भी बहुत से अवामिल थे, सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो हमारे जो गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहरीन बैन अल-अक़वामी अमूर, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आप जानते भी हैं इन्हें, और इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि आलमी मईशत जो है इतनी ज़्यादा असरअंदाज हुई, वो भी नेगेटिव अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? कैसी हो मानूर? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आप मेरे प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ लाए। और मैं समझती हूँ जितना अच्छा इस वक्त जो आलमी मईशत का एक तज़िया या जायज़ा है वो हम आपसे ले सकते हैं, शायद ही किसी से हम जान सकते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा स्टार्ट में कि क्या जो इक्तिसादियात के माहरीन हैं उनका कहना है कि साल 2016 जो है वो कोई मईशत के लिहाज से अच्छी खबर नहीं दे सका, तो कोई क्या इसके अवामिल रहे? बिल्कुल आपने सही कहा, जितने आलमी जायजे अगर आप देखें, IMF का देखें, वर्ल्ड बैंक का देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का देखें, तो वो आलमी मईशत के बारे में उनके जायजे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो स्लो डाउन रही है, सुस्त रवि का शिकार रही है, स्लो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि 2007 के अंदर एक आलमी इक्तिसादी बहरान आया था दुनिया के अंदर, और उसने ख़ासतौर पे अमेरिका से लेके मगरबी जितनी जमहूरियतें थी और जो ममालिक थे उनको बड़े झटके लगे, उसके अलावा रूस और दूसरे ममालिक को भी झटके लगे। तो अब जितने ममालिक थे, पहले तो वो बड़े कॉन्शस थे कि वो फूंक फूंक के कदम उठा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि 2014 के बाद वो रिकवर करना शुरू हो गए और लगा, और अमरीका और ये मगरबी मईशतें यूरोप वगैरह करने लगे। लेकिन अमेरिका जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो तेज़ी से लेके चलेगा, क्योंकि इस मरतबा ड्राइविंग फोर्स जो था वो अमेरिका था दुनिया की इकोनॉमी का, उसके मुकाबले में जो चीन जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और उसका ग्रोथ रेट एक ज़माने में 14 को स्ट्राइक करता था, वो भी स्लो डाउन रही है गुज़िश्ता 2 साल से। और वो आप देखें ना, 7 फिर 6.5 तक आके इस बार नीचे गिरी है। तो उस वो पूरी मईशत को लेकर आलमी वो चीन चल रहा था, तो उसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमी थी, उभरती हुई मईशतें जिन्हें कहते हैं, जिनमें ब्राज़ील और रूस वगैरह थे, वो भी कोई बहुत आला दर्जे का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा वो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं था, और फिर सियासी हालात भी ऐसे नहीं थे जो कि इसको अपग्रेड कर सकते। तो एक तरह से आप ये कहिए जमूद तारी रहा और सुस्त रवि का शिकार रही। तो यानी कि कहा जा सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आलमी सियासत कहाँ तक असरअंदाज होती है, इसकी वजह से आलमी मईशत में वो तरक्की ना देखी गई, क्या यही कहेंगे इसको? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि अगर आप आलमी सियासत देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का आना, फिर बरतानिया में ब्रेग्जिट होना, फिर वो ब्रेग्जिट होने का मतलब ये यूरोपी उनमें एक बुरहान सा पैदा हो गया, वो परेशान हो गए कि ये अब क्या होगा हमारा। फिर मशरिक़ वुस्ता की तो आप सूरत हाल देख रही हैं ना, ये 2 साल से इस कदर बुरे हालात हैं कि वहाँ तो मुल्क कोलैप्स कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर तेल की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी। अच्छा, उस तरफ अगर इधर आप जाते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ भी इसके असरात जो हैं वो नेगेटिव ही रहे हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि उसकी ये जो सियासत थी उसने भी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असरात ही डाले, और उसने जम्मू तारी रखा, स्टैग्नेशन रही है इकोनॉमी के अंदर। तो आगे आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि वो जमूद जो है वो खत्म होता जी नहीं है। मैं जो जितने मैंने जो तजिये देखे हैं और आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे IMF के और वर्ल्ड बैंक वगैरह के, वो 2017 के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। वो बहुत ही यानी जिसे कहते हैं कॉशस और मुतहत अंदाज के अंदर ये कह रहे हैं कि कोई इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज आ सकेगा। जो अमरीका के होता है के बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत ताकतवर इकोनॉमी है, इसकी कारकर्दगी के मुताबिक कहा जा रहा है कि भाई परफॉर्मेंस की वजूहत से
اس طرح سے نہیں رہی جس طرح کی امید کی جا رہی تھی، آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، امریکہ کی اکانومی جو ہے اس کے متعلق خیال یہ تھا کہ وہ 2.2 کے حساب سے اس کا گروتھ ریٹ رہے گا اور وہ ترقی کرے گی، لیکن وہ 1.6 کے اوپر رہی ہے، تو جس کے مختلف قسم کے وجوہات ہو سکتے ہیں، جس میں تیل کم کی پرائسز ہیں، کموڈیٹیز کی وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا جو وہ جو فیڈرل ریزرو بینک وغیرہ کا جو کردار ہے، جو کہ تنخواہوں کا دینا اور اس کے درمیان جو توازن ہے، شاید وہ اس کی وجہ سے دنیا خوفزدہ رہی، لیکن اسٹل کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی جو وہ ہے معیشت جو ہے وہ اگلے سال یعنی 2017 کے اندر 2.2 پہ آ جائے گی، جو کہ اس سال کے لیے پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو یعنی اس سال تو 1.6 پہ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ ویری گڈ، لیکن اگر 2.2 پہ آ جاتی ہے تو امریکہ کی اکانومی، چونکہ اٹس دا لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، موسٹ پاورفل اکانومی آف دا ورلڈ، اینڈ پریزنٹلی یہی ڈرائیونگ فورس ہے دنیا کی معیشت کا، تو اگر یہ 2.2 پہ آ جاتی ہے تو اٹ ول بی ا بٹ سیٹسفیکٹری۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا چین جو دنیا کی دوسری بڑی جو ہے اقتصادی طاقت ہے، تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ گروتھ ریٹ اس کا 6.5 سے زیادہ بڑھ نہیں سکا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کیا اس کے بھی اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس طرح رہ گئے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی امریکہ کی اگر ہو جاتا ہے 2.0 اس سے بڑھ جاتا ہے تو کافی بہترین نظر آئے گی، جو اس سال کے لیے پریڈکٹ کی گئی تھی، یہاں کئی سالوں سے عالمی معیشت کو دیکھ رہے ہیں کہ چائنا چلا آ رہا ہے، بالکل آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایکچولی چائنا کی معیشت جو ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہوئی ہے، اور جو آئندہ جو پریڈکشنز ہیں وہ اور بھی کم ہیں، 6.2 کی ہیں، اور اگر آپ اب کے 6.5 تھی اور اب جو پریڈکشن ہے وہ 6.2 کی ہے، جبکہ آپ 2015 میں اگر دیکھیں تو وہ 6.8 تھی، لیکن اگر 7 سال پہلے دیکھیں تو اٹ واز 14، اٹ واز دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دی ورلڈ، ڈبل سمجھے۔ اچھا جب وہ جا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 50% آف دی ٹوٹل مینوفیکچرنگ گڈس جو ہیں، آپ دیکھیں پاکستان میں کیا صورت حال ہے، یہ پیالہ بھی چائنا کا بنا ہوا ہے، وہ گلاس بھی چائنا سے آ رہا ہے، وہ کیمرہ بھی اس کا ہے، اگر آپ نے منور صاحب آپ کہیں باہر بھی جاتے ہیں نا، کوئی آپ کسی بھی قسم کا الیکٹرانک کا سامان بھی لیتے ہیں تو اس پہ میڈ ان چائنا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، اٹ ہیز بیکم ا ورلڈ برانڈ اور اٹ ہیز بیکم دی فیکٹری آف دی ورلڈ، تو چائنا اصل میں ان ساری جو اکانومیز تھی، پرٹیکولرلی یہ جو ایمرجنگ اکانومیز تھی، جو جب ہمارے جیسے ملک تھے یا برازیل اور رشیا جیسا ملک تھا، ان سب کو وہ لے کر اپنے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اپنی اکانومی کے ساتھ ساتھ، لیکن جب وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوئی تو ساری اکانومیز، لیکن اس میں یہ مت کہیے کہ چائنا کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے یا کسی نیگیٹو اس میں جائے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ایکچولی چائنا جو ہے وہ ری بیلنس کر رہا ہے اپنے آپ کو، دوبارہ متوازن کر رہا ہے، کیوں دیکھیں نا 14 پہ تھی، 14 پہ تھی، 6.2 پہ آ رہی ہے، تو وہ کر اصل میں یہ رہا ہے کہ وہ ریفارمز لا رہا ہے، وہ مینوفیکچرنگ سے جا رہا ہے کنزیومر گوڈس کے اوپر، اس کے لیے اسے اسٹرکچرل ریفارمز کرنا پڑ رہے ہیں، اس نے بڑی غیر معمولی قسم کی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں دنیا کی اکانومی کے ساتھ، کیپیٹلزم کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے چائنا تو ایک کمیونسٹ ملک ہے اور اسٹیٹ اونڈ اس کی وہ ہے، لیکن اسے ایڈجسٹمنٹ کی، اب اسے مزید ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن جب وہ سلو ڈاؤن ہوگا تو نہ صرف اس کے ارد گرد کی جو اکانومیز ہیں جیسے ہم لوگ ہیں یا ایشیا کی اکانومیز ہیں، باقی تمام اکانومیز چونکہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی، تو اگر کوئی بڑا دھچکا چائنا کے اوپر کو لگتا ہے اور کوئی اس کی کرنسی وغیرہ میں بڑا فال آتا ہے تو ساری جتنی بھی اکانومی ہے، لیکن شکر ہے کہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت کانشس ہے اکنامک وائز اور فائنانس وائز، تو انہوں نے وہ ایسے پہلے سے ہی وہ ایسی تدابیر، پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں اور ان کے لی کوان کوانگ جو ہے پرائم منسٹر، وہ آل آف دیم آر ویری اکنامیکلی بڑے کانشیس لوگ ہیں، تو وہ کوئی بڑا جھٹکا نہیں لگنے دیں گے، تو اس لیے اکانومی جو ہے چاہے سلو ہی چلتی رہے گی لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑی نقصان بڑا نقصان نہیں ہوگا، چلیں یہ اچھی بات ہے، اس طرح پوری دنیا پہ کیونکہ اثر انداز ہوتے ہیں نا۔ آگے جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں، تو جاپان کا بھی ضرور ذکر آتا ہے منور صاحب، اور جاپان کہتے ہیں جی مشرقی ایشیا کا اہم ملک ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کیا ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں گے کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکا؟ بالکل، دیکھیے جاپان جو ہے وہ چائنا کے بعد اٹ از دی تھرڈ اسٹرانگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، پہلے وہ سیکنڈ تھی، اب وہ گر کے پچھلے 2 سال سے چائنا کے بعد آ گئی ہے، اور بہت ہیوج، آپ میں صرف ایک بات چھوٹی سی بتاؤں جو لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا بحث ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ قرضے اگر کسی ملک نے لوگوں کو دیے ہیں تو دیٹ از جاپان، تو لیکن یہ جو ان کے اس وقت پرائم منسٹر ہیں ایبے، انہوں نے ایک خاص اکنامک پالیسی اختیار کی ہے جسے کہتے ہیں ایبے اونکس، اور وہ گزشتہ 2 سال سے یعنی 1914 سے وہ اس کے اوپر 2014 سے گامزن ہیں، سو ناؤ اٹ از کمنگ اپ، لیکن
पिछले इस साल वो 0.5 पे रही है और अब वो 0.6 पे की रफ्तार से तरक्की करने लगी है। लेकिन 0.6 को आप यूं ना समझिएगा कि वो 4.6 ना, जापान की इकोनॉमी का जो वॉल्यूम है इट इज़ सो लार्ज कि उसके अंदर अगर वो 1 पॉइंट का भी इजाफा होता है ना तो इट इफेक्ट्स ऑन द होल। तो कम अज़ कम उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो तमाम जनूब मशरकी एशिया के ममालिक हैं जैसे फिलिपींस, एशियन टाइगर्स वगैरह, मलेशिया वगैरह आते हैं, इवन हमारे तक आता है, तो दे विल रिमेन रिस्टेबल और काफ़ी बेहतर रहेगा। सही, जापान की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, अमेरिका की बात हो गई, उभरती हुई मईशतों की कुछ बात करें। जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है तो इन मईशत का भी जिक्र होता है जिनमें रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, भारत शामिल है। दुनिया को बड़ी तरक्की की उम्मीदें हैं, हमें भी बड़ी तरक्की की उम्मीदें, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन इनकी कारकर्दगी अगर मैं जिक्र करूँ तो 2001 के बाद बहुत तसल्ली बख्श थी। क्या इस मरतबा कोई गुड न्यूज़ या कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी इन उभरती हुई मईशतों के लिहाज से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता। मैंने आपको बताया ना कि चाइना असल में इन सारी उभरती हुई इकॉनमी को लेकर ड्राइविंग फोर्स था। उसको अगर देखा जाए तो की वही है, की वही था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। की फैक्टर जो था वो चाइना था। सही, अब वो स्लो डाउन हुआ तो नतीजा ये है कि ये सारी इकोनॉमीज़ भी हैं जिसमें ब्राज़ील आता है, जिसमें वेनेजुएला आता है, जिसमें रशिया आता है और दूसरी इकोनॉमीज़ आती हैं ये छोटी, और इंडिया इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट है, चाहे वो हमारे से कुछ इख्तलाफात रखता है लेकिन बड़ी तेज़ी से वो इट्स ए वेरी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग। लेकिन हुआ ये है कि ये इनका ग्रोथ जो था वो इनका ग्रोथ भी 10 से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब के इनका गिर के इस साल जो था वो 4.5 पे था। इस कदर डाउन हुआ है। जी बिल्कुल डाउन हुआ, तो ऑटोमेटिकली उससे जो मियार जिंदगी है लोगों का वो गिरा है। असल में बात ये है कि ये जितनी उभरती हुई इकोनॉमीज हैं इनके पीछे क्या चीज़ है, ये ज्यादातर बरामदात करती हैं, एक्सपोर्ट्स करती हैं और उसी से कमाती हैं। जैसे ब्राज़ील जो ऑयल करता है, रशिया जो है ऑयल एंड गैस करता है, मैं ये दो आपके सामने मिसालें दी हैं। ऐसा जिनके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं है जिन्हें कर सके, तो अब चूंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है ना, अशिया सर्फ की कीमतें वो दुनिया भर में कम हुई हैं, तो दुनिया भर में जब कमोडिटीज़ की प्राइस कम हुई है तो यकीनी बात है इनको कम पैसा मिल रहा है। सही सही, तो जब इन्हें कम पैसा मिल रहा है और चाइना की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है तो इनकी मईशत भी, तो अगले साल लेकिन ये कहा कह रहे हैं कि ये 4.6 पे होंगे, यानी 0.1 के हिसाब से इजाफा होगा। तो ये यानी चाहे जितना ही बुरा हो लेकिन ये अच्छा है और हमें खुश होना चाहिए कि ये। और इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है, 7.6 पे रही है, आप देख रही हैं, और वो 122 करोड़ लोगों का मुल्क भी है। तो जो IMF और उनके तमाम के जो हैं वो ये कहते हैं कि अगले साल भी वो इतनी ही तेज़ी से ग्रो करेंगे, तो कम अज़ कम उसकी वजह से एक फ़ायदा ही होगा कि इर्द गिर्द की जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी जो रफ्तार है वो मेंटेन हो सकेगी। तो लेकिन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है, उसको रिफॉर्म्स वो नहीं ला रहे हैं उतनी तेज़ी से। मोदी साहब के जो कई चीज़ें बैकफायर कर रहे हैं, जैसे आपने वो नोटों वाला मसला देखा का, अच्छा फिर सियासी मामला उनके जो हैं वो गुर्बत के मामला उनके बड़े हैं, तो ये है कि ये चीज़ें जब तक रिफॉर्म्स इंडिया नहीं लाएगा तब तक। जी सही, जब हम इंडिया तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन हमारा खुद का जिक्र आता है, पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। गुज़श्त कुछ सालों से कहा यह जा रहा है कि बेहतरी की तरफ गामजन है, क्या आप मुनव्वर साहब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ही का अखबारात अगर आप उठा के देखें तो फॉर्ब्स की जो रिपोर्ट है, जो कि एक बड़ा ही मुतबर इदारा है, बड़ा ही प्रेस्टीजियस इदारा है इकोनॉमिक को, तो उसने पाकिस्तान के बारे में बड़े हौसला अफजा वो दिए हैं और मैं सिर्फ उसी के ऊपर कोट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का 400% ग्रो किया है ओवर, और आज बहुत ज़्यादा, आज की भी मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी जो है उसका पॉइंट्स बढ़े हैं। जी हाँ, 400% ग्रोथ हुई है 2010 से लेकर 2016 तक, तो दिस इज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज हमारा है। इस साल ही 40% फास्ट रहा है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, और अगर स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखी जाए तो उसका ग्रोथ रेट पिछले साल जो कि 4.6 पे था इस बार 6% पे रहा, लेकिन ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो तकरीबन 3.5 और 3.6 है, बट इट इज सैटिस्फाइड ओवरऑल पे। जो आपने कहा कि सेटिस्फाइड हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये बेहतरी की तरफ जा रही है, और खासतौर से मैं आपसे अभी ब्रेक लूँगी, उसके बाद ये जानूंगी कि जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र करते हैं PSX का, और ये मेरे ख्याल से इसी साल ये हुआ था कि इसे जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, क्या इसके बनने के बाद ज़्यादा बेहतरी आती है आपको नजर आई, या इससे पहले की सूरत हाल का अगर जायजा लें तो फ़र्क है, ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ज
जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो ड्यूरिंग 2016, और इस पे हमारे साथ हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, उनसे हम तजिया ले रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता कुछ सालों से काफ़ी बेहतर जो है, उसका ग्रोथ रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छी उस पर है कि भाई नो डाउट कि हाँ अच्छा अच्छी खबर मिलती है। ख़ासतौर से आपने बताया कि आज ही वो जो सर्वे है फोर्ब्स का, तो उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछी थी ब्रेक से पहले कि PSX बनने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जब नाम सामने आया तो ये अच्छा डिसीजन था। इसने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, इसलिए कि देखिए एक इदारा जो कि जिसकी कि तमाम वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी बहुत अच्छा जा रहा है और थ्रू आउट ये अच्छा ही परफॉर्म करता रहा है गुज़श्ता 15 साल से। लेकिन ये जो आपने पाकिस्तान बताया ना स्टॉक एक्सचेंज का, इसके मैंने फॉलो किया है तो इसके असरात जो है ना इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आप ये देखेंगे कि आइंदा 2 साल के अंदर जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, खासतौर पर जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका जो कहना है, जैसे कि नैस्डेक वगैरह हैं, उनकी मैंने वो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो वो माहिरीन की राय पड़ी है, वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये जो कायम किया गया है इसके बारे में बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं। तो वी होप सो कि इट इज़ ऑलरेडी बीइंग टेकन वेरी यानी कॉन्फिडेंटली, तो इसकी उम्मीद है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप देखिए ना, वैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज की रियासत इकोनॉमी को देखा था 6%, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें हम अभी पाकिस्तान की, तो आगे मैं आपसे मज़ीद बात करूंगी, अभी हम पहुंचे थे यहाँ तक कि भाई उभरती हुई जो मईशतें हैं जिसमें भारत हो गया, रूस, ब्राज़ील, उसके बारे में बात की। फिर मैंने पाकिस्तान पे इसलिए आई कि फ़ौरन हमें पाकिस्तान का जिक्र करना ज़रूरी होता है। एशिया की ओवरऑल सूरत हाल जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एशिया की सूरत हाल जो है वो निस्बतन बेहतर है। एक तो मैंने आपको भारत का जिक्र ही कर दिया, वो चूँकि बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो लेकिन उसके अलावा इस तरफ जो अगर आप पूरा ये जनूब मशरकी एशिया का बेल्ट देखें तो जिसके अंदर एशियन टाइगर्स वगैरह हैं, ताइवान वगैरह हैं, कोरिया वगैरह हैं, दे आर वेरी स्टेबल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। उधर जापान चूँकि अच्छा जा रहा है, इधर चाइना भी एशिया मशरकी एशिया से कनेक्टेड है, तो ये तमाम इकोनॉमीज जो है ना ये रीजनेबली स्टेबल हैं। बीच के अंदर कुछ जजीरे हैं जैसे थाईलैंड वगैरह, उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ वो जो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप वगैरह आई है उसकी वजह से थोड़ी सी अपीवल आया, थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया का ये जो एटॉमिक धमाके वगैरह हैं इन्होंने कुछ थोड़ा सा लोगों को अननर्व किया है। लेकिन ओवरऑल जो एशिया की इकोनॉमी है वो बेहतर है और पाकिस्तान उसमें है, आप देख लें। और इसका ये वजह यही कि हमारी तरफ जो है इसलिए बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और नज़र भी आया। तेल की बात हर एक समझता भी है कि भाई अगर पेट्रोल की ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई फिर बहुत बड़ा फ़र्क आता है और फिर आपकी नॉर्मल ज़िंदगी भी लगता है कि हाँ उसमें भी काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन जब तेल की कीमतें कम हुई थी आपको याद होगा कि एक भौचाल सा मच गया था पूरी दुनिया में, और क्या सूरत हाल उसकी वजह से बेहतरी की तरफ गई या आप समझते हैं कि उसके नुकसानात अभी तक जारी रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक मिला जुला सा इफेक्ट पड़ा है दुनिया के ऊपर। जब 2014 में $114 पर बैरल के हिसाब से तेल बिक रहा था और आपने देखा कि 2015 और फिर 16 में गिर कर 30 तक आ गया, तो कहाँ 114 कहाँ 30, तो उसने जो हमारे जैसे तेल खरीदने वाले मुल्क से, देखिए पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने $5 बिलियन बचाए हैं और अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा जो बिल है ऑयल का वो तकरीबन $12 बिलियन का होता है, तो वो गिर के $7 बिलियन रह गया, तो $5 बिलियन की हमारे को बचत हो गई ना, तो वो हमने अपनी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की तरफ लगाया। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, लेट मी प्लीज बी वेरी फ्रैंक, कि हमारी हुकूमत ने उतनी अच्छी तरह से नहीं लिया, ठीक है, वो फायदा नहीं उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए था। मतलब ये कि गाड़ी डालने में पेट्रोल डालने वालों के लिए तो वो थोड़ा पौसान कर दिया, हम खुश हो गए कि कहाँ 90 पे था, कहाँ 60 पे आ गया, तो वी आर वेरी हैप्पी, CNG नहीं खरीदना पड़ा। मगर जिस तरह हमें वो $5 बिलियन का फायदा उठाना चाहिए था ना, उस तरह हमने नहीं उठाया। उसमें हमने एक हिमाकत ये की है कि जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो जो हमारे उसमें $5 बिलियन का हमने नुकसान कर दिया, तो वो जो $5 बिलियन इधर आए वो उधर $5 बिलियन, लेकिन स्टिल फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी। अच्छा मनोहर साहब, जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र करते हैं हमेशा बहुत से प्रोग्राम्स में करती हूँ, तो उसमें जो मेन चीज़ देखी जाती है अगर वो आप बात करें तो वो एक होती है कि एक्सपोर्ट का जिक्र बहुत होता है कि जिसमें कहते हैं कि डिक्लाइन बहुत आया,
और जब इसके डिक्लाइन को देखते हैं तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, $5 बिलियन का तो इस साल हमारे को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, तो वो अगर ये ऑयल प्राइसेस कम ना होती तो हम तो बड़ी बुरी तरह से आ जाते हैं। $5 बिलियन का मतलब अगर आप रुपए में लेते हैं तो ये तो 50 अरब रुपए हो जाते हैं, ये तो हम तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि इसे तो हमारे एक्सपोर्ट्स का जो पॉलिसी है ना उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका फोकस तमाम इकोनॉमी की तरफ है। आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट जो थी उसका कोई फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं था, 4 फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बदले, स्टेट बैंक का गवर्नर जो था वो कोई 5-6 उन्होंने गवर्नर बदल दिए। लेकिन इस इनकी आप गौर करें कि जो इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, डार साहब जो है, तो इससे ये पता चलता है कि इनका इकोनॉमिक एजेंडा जो है ना वो इंटैक्ट है। तो नतीजा अगर गवर्नमेंट फोकस्ड होती है तो मैं समझता ही हूँ कि हमारा डिफेक्ट ये हो रहा है कि हम चूंकि चाइना हमारा बहुत पक्का दोस्त है तो हम उसकी सारी गुड्स को मंगा कर ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हमने बहुत ही स्लो डाउन कर दिया है। आप देखिए हर चीज हम खरीद रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सस्ता मिल रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म हो गई ना हमारी। यही वजह शायद इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट हमारी जो है, हमें दोबारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो देना चाहिए। देखिये बात असल में यह है कि एग्रीकल्चर और इन चीजों में रॉ मटेरियल तो आप बेचे, मतलब बोरियां भर भर के आप बेचते हैं ना, तो ये मोबाइल तो आप बताइए एक बोरी के अंदर 500 मोबाइल आप भर के बेचते हैं, तो 500 मोबाइल की कीमत और एक बोरी गंदम की कीमत, अब आप बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान के बारे में एक ये भी बात कही जाती है कि अब आइंदा आने वाले सालों में एक बड़ी जो कामयाबी है अगर हम इस तरफ से देखें चाइना को कि चाइना की जानिब से सीपैक के जरिए जो आने वाली सरमायाकारी है, क्या कहेंगे कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो चाइना का जो सीपैक मंसूबा है ये उसके एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड का नाम देते हैं और वो सारी दुनिया में राइट फ्रॉम पैसिफिक टू यूरोप तक वो जाता है और उसका एक पार्ट जो है सीपैक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसने तकरीबन दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसने, और ये हमारे को एक एक्सेस दे देगा सेंट्रल एशिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो बातें पाकिस्तान को करना पड़ेंगी अगर उसे सीपैक से वाकई में फायदा उठाना है। हम खुश हो रहे हैं आ रहा है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी इस साल ज्यादा देखिए ना कॉन्फिडेंस आया ना, क्योंकि इतनी सरमायाकारी आ रही है बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से आ रही है। लेकिन आज ही आप उठाकर देखें तो चाइना ने आज भी ये कहा है कि जी हमारा बार बार वो ये उसे कहना पड़ता है सारे सूबों को, हम एक तो सूबाई बुनियाद के ऊपर ये जो आपस की फिर ये पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर ये जो फाइटिंग हम कर रहे हैं ये हमें इस पे भी मैं आने लगी हूँ आपसे। जब आपने जिक्र कर ही दिया चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, पिछले 2 सालों में हमने बड़ा देखा कि सियासी हलचल जो है वो कभी कहीं कोई धरना हो रहा है, कहीं कोई लॉन्ग मार्च हो रही है, धरनों का सीजन रहा, बहुत शोर हुआ कि इससे भी मईशत जो है उस पर बुरे असरात आए। आपके ख्याल में सियासी गहमा गहमी की वजह से क्या वाकई मुल्क की तरक्की और मईशत को नुकसान हुआ? देखिए ऑपोजिशन करना, इश्यूज को सामने लाना ये ज़रूर होना चाहिए, इससे लोगों की जो है नहीं तो कोई बताने ये ठीक है। लेकिन हमारे जैसे मुल्क के अंदर बहुत टू फार चले जाना कि मतलब एक धरना है जो 4 महीने तक चल रहा है या 6 महीने तक चल रहा है या धरनों का सीजन खत्म ही नहीं हो रहा, सालों के ऊपर जा रहा है, आफ्टर इलेक्शन भी तो आने वाला है ना, आप वहां पर अपने जलसे जुलूस कर लीजिएगा, हर वक्त सड़कें बंद रखना, हर वक्त ये वो करना हर छोटी छोटी बात के ऊपर, तो आफ्टर ऑल देखिए ना एक दिन अगर कराची बंद रहता है तो कहते हैं कि जी तकरीबन कोई 5 बिलियन से ज्यादा रुपया का नुकसान हो जाता है, तो यही हाल बाकी तो इसलिए हमें इन चीजों की तरह एहतियात करनी चाहिए। अभी वी आर इन अ लॉन्चिंग स्टेज, वी आर नॉट ए स्टेबल इकोनॉमी। सही, और हमने ये भी देखा कि ये सीपैक का जब से हमारे यहाँ आया कि 46 बिलियन की हमें इस वक्त सपोर्ट मिल रही है सीपैक के थ्रू चाइना से, तो गैर मुल्की सरमायाकार जो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आए और रवाबित बढ़े हैं, आपके ख्याल में क्या इसकी वजह से हमारे जो मुल्की सरमायाकार हैं जो सरमाया लगाने से भाग रहे थे, मुल्क छोड़ के जा रहे थे, मजबूर हो रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखे, इससे एतमाद उन लोगों का बड़ा पाकिस्तान पर बहाल हुआ है या नहीं? बिलाशुबा बड़ा है। और आपने देखा कि मैं चाइना एक बहुत अच्छी बात आपको कहूँगा, सीपैक जो के इलेक्ट्रिक थी आपको याद होगा कि के इलेक्ट्रिक पहले उनके पास थी मिडल ईस्ट वालों के पास, अब शंघाई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने इसको टेक ओवर कर लिया, यानी हमारे चाइना के दोस्त ने कर लिया है, तो इससे हमारे जो इंटरनल लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस तो आया है। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस आने से कुछ नहीं होता, असली चीज़ ये कि हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को और ये जो हमारी सियासी रैंगलिंग है जो हर वक्त जो करते रहते हैं इसको टू फार नहीं ले जाना चाहिए। जब आप बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की, तो अभी हमने देखा कि कराची की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई, ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद अमन ओमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई, तो इससे आप समझते हैं कि फिर मईशत पे ही बात जब हम कर रहे हैं तो इस तरक्की की राह में हम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अदब से बहुत फ़र्क पड़ा है। आपने देखा है कि छोटे
जो इन्वेस्टर्स थे उनका तो कॉन्फिडेंस खासा रिस्टोर हो गया है। बड़े जो हैं उनका मामला ये होता है कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, सही, तो उनका आते आते आता है, लेकिन जब छोटा इन्वेस्टर जो है वो लगाने लगता है, जब आप खुद देखें ना, अगर आप खुद अपने घर के आगे देखेंगे एक दुकान खुल रही है तो आपका भी जी चाहता है कि मैं करूं, तो बिल्कुल यही मुल्क का भी होता है, शोपीस होता है कि अगर आपके छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं तो फिर बड़े इन्वेस्टर भी आने शुरू हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर, तो इसमें बिलाशुबा कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये जो अमन अमान की सूरत हाल ऑपरेशन ज़रब अदब की वजह से बेहतर हो रही है, इसकी ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के इम्पैक्ट को बेहतर करेगा। चलें गुड, ये तो अच्छी बात है और वैसे नज़र भी आ रहा है, सब देख रहे हैं, सबके पास रिजल्ट भी सामने आते हैं और आज की दुनिया जो है ना वो इतनी है कि सब सिमट के एक क्या कहना चाहिए, आपके हाथ के जो मोबाइल एंड्रॉयड आपने रखे हैं उनमें भी है, तो आप अगर मॉनिटरिंग करें, टीवी देखें, उससे आपको फौरन पता चल जाता है। अभी हम ग्लोबल इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं आपसे, साथ साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसलिए फोकस करवा रही हूँ आपसे कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मईशत के बारे में अगर पॉजिटिव यहाँ से आ रही हैं रेस तो हमें उसको भी लेना चाहिए। लातिनी अमरीका और अफ्रीका की मईशतें भी बहुत कमज़ोर नजर आई, क्या आपको इसमें अगले साल कोई बेहतरी नजर आती है? आप समझते हैं कि जब ग्लोबली तमाम चीजों में बेहतरी होगी, तमाम मईशतों में, तो इस पे कुछ असर पड़ेगा? मुझे इस बात के यानी अच्छा नहीं लग रहा, वही जो एक ट्रेंड चला जा रहा है लातिनी अमेरिका के अंदर, वेनेजुएला और ये ब्राजील, आपको पता है ब्राजील वाज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमीज और दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शुमार होता था, लेकिन इस मरतबा वो 3.6 ग्रोथ रेट उनका गिरा है, तरक्की नहीं हुई है, गिरा है, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि वहाँ पे एक इकोनॉमिक वो यानी एक सियासी टर्मोइल आया, उनकी जो प्रेसिडेंट थी उसको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, जिलिमा रुआतोफ को चली गए, पूरा साल वो इसी में गुजारते रहे और उनकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरह, वेनेजुएला जो है ऑयल की कम प्राइसेस, क्योंकि उनकी सारी डिपेंडेंट जो थी वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर थी ऑयल के, वो भी उनको भी वो नहीं कर सके, वो भी रिकवर करने की कोशिश करें, लेकिन जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक वगैरह की और माहिरीन की जो प्रेडिक्शन है उनका ये कहना है कि अब ब्राज़ील में चूंकि आ गए हैं और वेनेजुएला की भी सूरत हाल बेहतर हो रही है, क्यूबा के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से दोबारा बहाल हो गए हैं, तो ये ओवरऑल मिलकर शायद बेहतरी की तरफ लाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि जब ईयर एंड होता है तो मुख्तलिफ सर्वे हमारे सामने आते हैं, रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, चाहे हम IMF की रिपोर्ट की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, दूसरे आलमी जो माहिरीन हैं वो आइंदा सालों के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, बेहतरी के इम्कान लाने के लिए क्या कोई तजावीज़ सजेशन सामने आए हैं इन तमाम इदारों की तरफ से या माहिरीन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए वो ये कहते हैं IMF वगैरह और ये जितने वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनका कहना ये है कि ये देखिए ग्लोबलाइजेशन को हमने बहुत जल्दी डिटैच होना शुरू हो गया, दोबारा मुल्कों को एक दूसरे से ज़्यादा ताउन करना चाहिए, और जितना ज़्यादा वो ताउन करेंगे, जितना ज़्यादा वो कोऑपरेशन करेंगे इकोनॉमिक मामलों के अंदर, जैसे चाइना सारी इकोनॉमी के साथ है, तो बाकी लोगों को भी अपने अंदर सिमटना नहीं चाहिए, खुल के दूसरे लोगों के साथ ताउन करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स में करना चाहिए, इंपोर्ट्स में करना चाहिए, ट्रेडिंग में करना चाहिए, तो उसका एक फायदा और इस ताउन को ग्लोबलाइजेशन की शक्ल में सस्टेन करना चाहिए, पायदार बनाना चाहिए तब। और दूसरे दो तीन चीज़ें देखिए, ब्रेक्जिट की वजह से ये कॉम परस्ती वगैरह ये जो आ गई ना अमरीका में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, और मुझे तो लगता है आगे और बढ़ेगी, इंग्लैंड है, इवन यूरोप के अंदर ये कौम परस्ती और भी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ज़्यादा आ रही है, खुद आप देखें ना हमारे में बड़ी कौम परस्तियों की ये चीज़ें, हम बाकी लोगों को सबको रिजेक्ट करते हैं, ये इस एटीट्यूड को हम, ये नुकसान पहुंचाता है ग्लोबल इकोनॉमी को, लेकिन अल्टीमेटली सियासत का असर तो पड़ता है, तो उन सब का कहना ये है कि हमें अपने ताउन को बढ़ाना चाहिए और ये जो अलहदगी का जो रुझानात हैं, अकेले हो जाना, मुल्क अपने तौर पे आगे फ्लाइट करने लगे, इसको कम करना चाहिए, जब सब साथ मिलके चलेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, तो सारी दुनिया की इकोनॉमी बेहतर होगी और सारी दुनिया के लोगों को फायदा होगा, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, उसमें चाइना भी हो सकता है, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, वेनेजुएला भी हो सकता है। मनोहर साहब, आपने कहा कि सबका यही कहना, सबके ये सजेशंस हैं और सब ये तजावीज़ देते हैं बेहतरी लाने के लिए आलमी मईशत में, खासतौर से एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, जो पिछले कई सालों हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू, जिस वक्त था तो एक बूम आया हुआ था इकोनॉमी को हर तरफ, तो आप समझते हैं कि इस पे वाकई गौर किया जाएगा कि एक दूसरे से ताउन किया जाए, और ख़ासतौर से अगर मैं आपको पाक भारत जो आजकल हम देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं बॉर्डर पर खिलाफ वर्जी की जाती है, आपको आगे इनके हम दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की कोई उम्मीद है? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, और तमाम माहिरीन जो ये कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हौसला अफजा हमने कहा है ना कि ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, सब कुछ हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जी वो भी बड़े फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन दोनों के बारे में जो माहिरीन हैं वो पता ही क्या कहते हैं, वो कहते ये हैं कि अगर इन्होंने अपने इन तनाजात को आगे बढ़ाया तो फिर ये जितनी तरक्की कर रहे हैं ना
یہ اس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے اور وہ غربت جو کہ ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے گزشتہ 70 برسوں سے اپنی تنازعات کی وجہ سے چل رہی ہے تو یہ کیفیت جو ہے نا ہمیں دور کرنی پڑے گی اس کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا اگر ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں یہ ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا انڈیا کو چاہے وہ کتنی ہٹ درمی دکھا رہے چاہے وہ کچھ بھی کہہ لیں لیکن ان کو بھی ٹیبل پہ آنا پڑے گا بات چیت کریں گے ان کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں سیاسی پوائنٹ آف ویو نہیں کہہ رہا ملٹری پوائنٹ آف ویو اور میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی پالیٹکس کو الگ رکھ کے سوچنا چاہیے اگر آپ نے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مہنور یہ لازمی ہے خاص طور پہ دیکھیے وہ 122 ہے ہم تقریباً 20 کروڑ کے قریب ہیں تو دیٹ کم 142 یعنی ہم چائنا کے برابر دونوں مل کے بن جاتے ہیں تو اگر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے دیکھیے الٹیمیٹلی کسی ملک کا کیا مقصد ہوتا ہے اب یا دنیا کے لوگ اپنی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے نا اپنے عوام کی بہتری لائیں ان کی خوشحالی لائیں ان کے معیار زندگی کو بہتر کریں دس از آل واٹ از نیشن مینس تو اگر ساری دنیا کے عوام انکلوڈنگ پاکستان اور انڈیا اور اینی بڈی یہ جب تک اس قسم کی سوچ نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے ترقی ہوگی دنیا کے اندر وی مسٹ کم فار ا پوزیٹیو سوچ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا پوزیٹیو مائنڈ ہوگا جب بھی وہ پھر سوچ بھی ہوگی یہ بھی کہا جاتا ہے سیاست کی نظر کم از کم اپنی معیشت قتل نہیں کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اس میں ایک ذرا سا پوائنٹ آؤٹ کروں گا مشرق وسطی میں آپ نے یہ دیکھا نا ٹرمائل دیکھیے عراق جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے سیریا جو ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گئی ہے لیبیا ایک فیلڈ اسٹیٹ کیوں ایران جو ہے وہ اس کی اکانومی ریوائیو نہیں کر رہی سعودی عربیہ جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے فرسٹ ٹائم انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں اور ارامکو کے شیئرز وہ مارکیٹ میں لے آئے کیوں آپس میں ان کے تعلقات ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برتری کا وہ کر رہے ہیں ڈومینیشن کی کوششیں کر رہے ہیں مختلف فرقہ وارانہ اور لسانی چکروں میں پڑ گئے ہیں سیاست کے اندر پڑ گئے ہیں اور جو نہیں پڑ رہے ہیں ان کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ وہ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو دس از اے لیسن فار ایوری بڈی وی شوڈ بی لرن صحیح منور صاحب سال 2016 ماشاء اللہ سے پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی اہم سال رہا کئی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بھی اور آج جب ہم اسٹاک مارکیٹ کی ابھی ذکر کر رہے تھے 47,000 کی بلند ترین سطح پر موجود ہے اور پوری دنیا میں ایک بہترین اسٹاک مارکیٹ کا اسے خطاب دیا گیا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آنے والے سال میں کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2017 میں مزید ایسی کون سی پالیسیز جو ہیں ان کو لے کے آیا جائے استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے پاکستان کی معیشت ہے خاص طور سے اس کو مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے تین چیزیں پاکستان کو کرنی پڑیں گی جی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے نا اس کو فرملی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے یہ اور وہ کر رہے ہیں آلریڈی ہماری وی آر ہیونگ دیٹ آپریشن ریزنیبلی لیکن اس کے اندر ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا وہ نیشنل پلان جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو ہمیں فاسٹ کرنا ہے اب خاص اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے ذکر کیا اور اس کا تو دیکھیے اسٹاک ایکسچینج از نتھنگ بٹ دا ریفلیکشن آف آر اکانومی جتنا زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ اور جتنی زیادہ آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوتی چلی جائے گی کمپنیز میں اسٹیبلٹی آتی چلی جائے گی اسٹاک ایکسچینج آٹومیٹکلی اس کو ریفلیکٹ کرتا چلا جائے گا آپ نے 40,000-7,000 کا فگر دیا ہے ویری گڈ فگر بائی آل اسٹینڈرڈ ایکسلنٹ فگر اگر ارد گرد اگر آپ دیکھیں انڈیا کو بھی شامل کر لیں تو کیونکہ ان کا بامبے والا مارکیٹ اتنا تیز نہیں ہے جتنا ہمارا کراچی کا مارکیٹ جا رہا ہے لیکن واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہمیں اپنے ایک تو ریفارمس تیز ہے ہمارا انفراسٹرکچر بڑا کمزور ہے ہمارے پاس جو امداد بھی آ رہی ہے نا آپ نے سڑکوں کا آپ نے حال دیکھا ہے اور تو چھوڑیں آپ کراچی کی سڑکوں کا ہی حال دیکھ لیں ہائی ویز ہمارے بہت کمزور ہیں تو سی پیک کے ذریعے ہم کوشش کریں مگر وی شوڈ بی مور فاسٹ پھر توانائی ہمارا ایک ہے اس کے اندر ہمیں بہت جلدی لانا چاہیے انرجی سیکٹر کو جو ہے سٹرونگ کرنا ضروری ہے ریجنریٹ کرنا چاہیے اور جلدی سستی بجلی مہیا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے سو دیٹ وی کین بیکم مور کمپیٹیٹو اور ہم اپنی ایکسپورٹس کی مارکیٹ کو بہتر کریں تو لیکن دی ڈائریکشن از کریکٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا آفٹر آل جیسے آپ کو بتایا یقیناً یہ کریکٹ ہے جبھی ہم نے دیکھا کہ یہ سال 2016 میں جہاں ہم گلوبلی دیکھ رہے تھے اکانومی جتنی بھی ہم نے عالمی جمود میں تھی وہاں ہم نے بہتر اکانومی کا جو ہے وہ ریزلٹ دیا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا بہت شکریہ منور صاحب آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی طرح جو عالمی معیشت ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا جس میں آپ نے سب کو کور کیا چاہے وہ ایشیا ہو امریکہ ہو چائنا ہو سب کا ہم نے ذکر کیا ایون لاطینی امریکہ افریقہ تک کی معیشتیں جو ہیں اس پہ آپ نے جو ہے اپنا تجزیہ دیا بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ یہی کہوں گی کہ جس طرح منور مرزا صاحب نے یہی کہا کہ ہمارا جو نیشنل پلان ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے ریفارمس لانی چاہیے اور انرجی سیکٹر جو ہے اس کو جو ہے مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے سال میں بھی 2017 جو ہے ہماری
ملک کے لیے معاشی لحاظ سے بہتری کی طرف جائیں اور خاص طور سے ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں جس کے ڈیکلائن کا ہم پورے سال ذکر کرتے رہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔